स्पष्ट कीजिए। लिखो, प्रकृति ने वाणी के रूप में, प्रकृति ने वाणी के रूप में मनुष्य को अमूल्य उपहार दिया है। इसलिए इस वाणी का प्रयोग, इसलिए इस वाणी का प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए। सोच समझकर करना चाहिए। हमें हमेशा, हमें हमेशा अच्छा और हित युक्त वाणी का प्रयोग करना चाहिए। हमें हमेशा अच्छा की जगह अच्छी लिख लो। हमें हमेशा अच्छी तथा हित कारी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। हितकारी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। बोलते समय समय तथा स्थान का ध्यान रखना चाहिए। बोलते समय तथा स्थान का ध्यान रखना चाहिए। जो बात बिना समय को ध्यान में रखकर, जो बात बिना समय को ध्यान में रखकर बोली जाती है, वाणी से ही मनुष्य अपना आदर व सम्मान करवा सकता है। वाणी से ही मनुष्य अपना आदर व सम्मान करवा सकता है। कोयल अपनी वाणी से ही, कोयल अपनी वाणी से ही सबके मन को प्रसन्न करती है। सबके मन को प्रसन्न करती है। तथा कोहा अपनी वाणी से सबको दुखी करता है। ये वाणी का ही महत्व है। हमें हमेशा
अच्छा तथा हमें हमेशा अच्छा तथा सोच समझकर बोलना चाहिए। अब आगे का जो लेसन है जयशंकर प्रसाद का वो निकाल लेंगे। अपन पहले जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय पढ़ेंगे, उस जीवन परिचय को भी अंडरलाइन करेंगे, फिर बाद में अपन उस लेसन को आगे की तरफ पढ़ेंगे। जहां जहां से मैं बोलूं वहां वहां से आपको अंडरलाइन भी करनी है। जयशंकर प्रसाद जो थे उनका जन्म कब हुआ? 1889 में। हाँ, 1889 में, ये याद रखना है। ये जो थे छायावादी कवि थे, कौन से युग के थे? छायावादी युग। छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी नगरी में 1889 में हुआ था। इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद, इसको भी अंडरलाइन करना, देवी प्रसाद शिक्षा प्रेमी थे। इनका जो परिवार था उस परिवार को सुगनू साहू कहकर पुकारते थे। बनिए परिवार के थे और बनियों का जो परिवार था उस परिवार का नाम था सुगनू साहू। साहू बनिया को ही कहते हैं। प्रसाद जी की जो प्रारंभिक शिक्षा है, शिक्षा का प्रबंध पहले घर पर ही हुआ, यानी प्रारंभ की जो शिक्षा होती है वो घर पर ही उन्होंने की। फिर बाद में वे क्वींस कॉलेज में अध्ययन हेतु भेजे गए। अल्प आयु में ही अपनी मेधा से, अर्थात बुद्धि से, मेधा का शब्द होता है बुद्धि से, कि छोटी सी, अल्प का मतलब छोटी सी उम्र में ही इन्होंने अपनी बुद्धि से एक तो संस्कृत भाषा का ज्ञान ले लिया, एक हिंदी भाषा का, एक उर्दू भाषा का और फारसी भाषा का और अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान। इन भाषाओं का इन्होंने बचपन में ही ज्ञान ले लिया। इन्होंने इंदु नामक मासिक पत्रिका का भी संपादन किया, इसको अंडरलाइन कर लो। इन्होंने इंदु नामक, आगे क्वेश्चन भी पूछा गया है कि उन्होंने मासिक कौन सी पत्रिका का संपादन किया, तो इंदु। और नए भी पूछे तो आपको याद रखना है कि इंदु मासिक संप्रदाय, मासिक का मतलब होता है महीने से जो निकलने वाली, साप्ताहिक का मतलब 7 दिन से, मासिक का मतलब महीने से, वार्षिक का मतलब साल से। साहित्य जगत में इन्हें वहीं से पहचान मिली, इसको नहीं करना है। काव्य रचना के साथ नाटक उपन्यास, इसको अंडरलाइन कर लेना कि काव्य का मतलब होता है कविता, कि कविता के साथ साथ इन्होंने नाटक भी की, नाटक की रचना भी की, उपन्यास की रचना भी की, कहानी की भी। बाद में इनकी ये रचनाएं सारी याद रखनी है। काव्य तो इनके कौन कौन से थे? आंसू, लहर, झरना, कामायनी, प्रेम पथिक, चित्राधार, ये याद रखना है। फिर इनका नाटक जो था, धुरु स्वामी, विशाखा, राजश्री, अजात शत्रु, स्कंद गुप्त, समुद्र गुप्त, इसमें समुद्र गुप्त दिया हुआ नहीं है, आप लिख सकते हो चंद्रगुप्त, ये भी था उसका एक भूत, ये इनके नाटक हैं। फिर इनके उपन्यास कंकाल, तितली, इरावती, ये इनके उपन्यास हैं। कहानी इनकी है आकाशदीप, प्रतिध्वनि, पुरस्कार, मुंडा सॉरी गुंडा, आंधी, छाया, इंद्रजाल, ये इनकी कहानियां हैं। निबंध है काव्य कला, ये इसका निबंध है। ये सब अंडरलाइन कर लेना, इनको सबको याद करना है, ठीक है। अब इनका ये जो पाठ है उसका सारांश यहाँ पर दिया गया है कि पाठ जो है वो किस पर आधारित है। पाठ से भी क्वेश्चन बनते हैं बीच में से, ठीक है। पहले तो इनका ही परिचय दिया गया है। प्रसाद जी की प्रतिभा बहुमुखी थी, किंतु साहित्य के क्षेत्र में कवि एवं नाटक के रूप में इनकी बड़ी ही ख्याति प्राप्त है, अर्थात प्रसिद्धि प्राप्त है। छायावादी कवियों में इनका नाम अग्रण्य है, सबसे पहले लिया जाता है। कामायनी इनका, इसको अंडरलाइन कर लो केवल, कामायनी इनका अत्यंत काव्य ग्रंथ है, सबसे जो प्रमुख ग्रंथ है वो कामायनी था।
जिसकी तुलना संसार के श्रेष्ठ काव्यों में की जाती है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछ ले, जयशंकर प्रसाद का कौन सा काव्य है जिसकी तुलना श्रेष्ठ काव्यों में की जाती है? कामायनी। किसकी की जाती है? कामायनी। मानव सौंदर्य के साथ साथ उन्होंने प्रकृति सौंदर्य को भी सजीव मौलिक वर्णन किया है। उनको काव्य में क्या मिलते हैं? मानव सौंदर्य या प्रकृति सौंदर्य। इन्होंने ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली, इसको अंडरलाइन कर लो, इनके काव्य की भाषा कौन सी थी? ब्रज भाषा। ब्रज भाषा और खड़ी बोली हिंदी, इस भाषा का इन्होंने प्रयोग किया। इनकी भाषा संस्कृत निष्ठ है, अर्थात संस्कृत का मिश्रण है। तो इनकी भाषा संस्कृत निष्ठ है, तो संस्कृत का मिश्रण है। फिर है कि 15 नवंबर 1937 में इनकी मृत्यु हो गई, ये याद रख लेना, ठीक है। अब इनका पाठ परिचय। जयशंकर प्रसाद प्रभो कविता, उनकी नई कविताओं का संग्रह, इसको अंडरलाइन रख लेना कि इनकी ये जो कविता है वो किससे ली गई है? कानन कुसुम से ली गई है। प्रभो कविता किससे ली गई है? कानन कुसुम से। और ये लिखोगे कहाँ? जैसे कोई क्वेश्चन बनता है कि प्रभो कविता किससे ली गई है, तो कानन कुसुम से ली गई है। ये कौन सी शैली में है? तो ये संबोधन शैली में है। संबोधन का मतलब जैसे ऐसे बोले हे प्रभु हे हरि, तो ये संबोधन शैली के अंतर्गत ही आती है। तो ये किस शैली में लिखी गई है? संबोधन शैली में लिखी गई है। और इनका जो है कौन सी किताब से ली गई है? तो कानन कुसुम से ली गई है। इसमें किया क्या गया है? इसमें ईश्वर की स्तुति की गई है, अर्थात ईश्वर की प्रार्थना की गई है। और बताया गया है कि ईश्वर जो है वो सर्वव्यापक है, चारों तरफ ईश्वर फैले हुए हैं। सौंदर्य और शक्तिमता का गुणगान किया गया है। वह ईश्वर कैसे सुंदर हैं? वह ईश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, परंतु ईश्वर हर चीज में व्याप्त है। हर पौधे में है, सूर्य में है, चंद्रमा में है, हर में ईश्वर व्याप्त है। तो उनको ये बताया गया कि कहाँ कहाँ यदि हमें ईश्वर को देखना है तो क्या क्या देखें अपन। ये तरंग मालाएं देखें तो ईश्वर का प्रेम देखेंगे, ईश्वर की मुस्कान देखनी हो तो सूर्य को चंद्रमा को देखेंगे। तो ये सब का उनका वर्णन इसमें किया गया है। चंद्र किरणें ईश्वरीय प्रकाश को व्यक्त कर रही है। ईश्वरीय प्रकाश को कौन व्यक्त कर रहा है? चंद्र किरणें। सागर की उताल तरंगे उसकी स्तुति करती है। ईश्वर की स्तुति कौन करती है? सागर की तरंगे कौन करती है? चंद्रिका उसकी मुस्कान को, ईश्वर की मुस्कान को कौन बताता है? चंद्रिका। नदियों का कलकल निनाद उसका आह्लाद को व्यक्त करता है। आह्लाद का मतलब होता है हंसी को। हंसी को व्यक्त कौन करता है? जल, नदियों का कलरव। वस्तुत प्रकृति के सौंदर्य और प्रेम से युक्त भव्य रूप को प्रकाशित करने वाला ईश्वर ही है, अर्थात इस सृष्टि को बनाने वाला कौन है? ईश्वर ही है। सारी प्राकृतिक जो है उनको बनाने वाला ईश्वर ही है। ईश्वर की कृपा होने पर मनुष्य के सभी कार्य पूरे हो जाते हैं। सभी मनोरथ कब पूर्ण होंगे? जब ईश्वर की कृपा होगी। खड़ी बोली हिंदी में रचित यह कविता प्रसाद जी की भाव अभिव्यक्ति का सुंदर उदाहरण है। भावों को अभिव्यक्त करने का सुंदर उदाहरण है। तत्समयी अर्थात तत्सम शब्दों का, क्योंकि संस्कृत के शब्द जो है वो तत्सम होंगे, हिंदी के जो शब्द है वो तद्भव होंगे, तो इन्होंने तत्सम शब्दों का ज्यादा प्रयोग किया। गंभीर भाषा ने कविता अद्भुत अभिव्यंजना सोठव से युक्त कर दिया है। और लयात्मकता, लय से बोलना है, सरसता प्रेम की मधुर धारा प्रभावित होती है, और उनमें मौलिकता भी मिलती है इनकी प्रभो कविता में। मैं जो याद रखनी है वो ये बतानी है इसका सारांश सबसे ज्यादा, तो कौन सी शैली में ये लिखा गया है, किसका वर्णन इसमें किया गया है? इसमें किसका वर्णन किया गया है? ईश्वर का। और ईश्वर की सर्वव्यापकता को बताया गया है कि ईश्वर कहाँ है
और ईश्वर किस प्रकार से है। किसी ने इस संसार में ईश्वर को नहीं देखा, ना तो उसके प्रारंभ को देखा ना उसके अंत को देखा। पर यदि वास्तविक अर्थों में ईश्वर को देखना है तो ईश्वर द्वारा पदत वस्तुओं को देखकर हम ईश्वर का पता लगा सकते हैं, ये बताया गया है। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है, अनादि तेरी अनंत माया जगत की लीला दिखा रही है। कवि कहते हैं विमल का मतलब होता है निर्मल, इंदु का मतलब होता है चंद्रमा, कि चंद्रमा की जो किरणें हैं वह आपके प्रकाश को बता रही है। प्रकाश को कौन बता रहा है? चंद्रमा की किरणें। कवि कहते हैं कि हे ईश्वर तू अनादि है, अनादि का मतलब जिसके आरंभ का किसी को ज्ञात न हो। हे ईश्वर तू अनादि है, तेरा कहां भी अंत नहीं है, अनंत का मतलब जिसका कोई अंत न हो। तेरी माया जो है वो अनंत है जिसका कोई अंत न हो, और इस चीज को देखने के लिए संसार की लीलाओं को देख सकते हैं। यह ना जगत की लीला दिखा रही है कि संसार की जो किराएं हैं, जो क्रियाकलाप हैं, वो ईश्वर की सर्व व्यापकता को बता रहे हैं। प्रसार तेरी दया का कितना यह देखना है तो देखें सागर, कि हे ईश्वर यदि तेरे प्रेम को देखना है कि तेरा प्रेम कितना है तो समुद्र के जल को देखें। भाई तेरे में दया कितनी है तो समुद्र का जल जो है वो तो अथाय है, ऐसे ही ईश्वर की दया अथाय है। भाई समुद्र का जल उसका कोई किनारा नहीं है, वो बहुत दूर तक रहता है, उसी प्रकार से ईश्वर की दया है। दया को देखना हो तो समुद्र के जल को देखें। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही है, तरंग मालाएं जो जल में उड़ती है निरंतर। तो हे ईश्वर यदि आपकी प्रशंसा को देखना है तो समुद्र में उठने वाली तरंग मालाओं को देखकर ईश्वर की प्रशंसा का पता लगा सकते हैं। तुम्हारा सीमित हो जिसे देखना, सीमित शब्द का होता है मुस्काना, कि ईश्वर की यदि मुस्कान देखनी हो तो देख सकते हैं हम चंद्रमा की चांदनी को। और चंद्रमा की चांदनी किससे होती है? शीतलता प्रदान करने वाली होती है, और ऐसी ईश्वर की मुस्कान होती है। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियां निनाद करती जा रही है। निनाद का मतलब होता है ध्वनि, कि यदि ईश्वर के हंसने की आवाज सुननी है तो नदियों के आवाज से उसका आंकलन किया जाता है। भाई नदियों के पानी के कलरव की जो आवाज होती है ना, उससे हम ईश्वर की हंसी की आवाज का पता लगा सकते हैं। विशाल मंदिर की यामिनी में जिसे देखना हो दीपमाला, विशाल का मतलब होता है जो विशाल है, मंदिर का मतलब मंदिर से है, पर यहाँ पर यह है कि रात्रि में, यामिनी शब्द का अर्थ था रात में, कि यदि हमें ईश्वर के मंदिर को देखना है तो क्या देखेंगे, कि जैसे आकाश में असंख्य जो तारे होते हैं वो दीपक के समान टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, इससे हम ईश्वर के मंदिर का पता लगा सकते हैं। तो तारागण की ज्योति से उसका पता अनूठा बता रहे हैं, कि तारा जो हैं वो अनोखे हैं और ईश्वर की अद्भुत लीला को वो प्रकट कर रहे हैं, कि ऐसा ईश्वर का मंदिर है जिसमें असंख्य टिमटिमाते हुए तारे हैं। प्रभो प्रेम में प्रकाश तुम हो प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाली, हे प्रभु इस संसार को बनाने वाले आप हो, और जिस प्रकार से सूर्य की किरणें गिरने से प्रकृति पद्मिनी अर्थात जैसे सूर्य की किरणें गिरती है तो कमल खिल जाते हैं, उसी प्रकार से हे ईश्वर आपके सूर्य की किरणें गिरने से सारी प्रकृति खिल जाती है। असीम उपवन के तुम हो माली, इस संसार रूपी उपवन के,
अर्थात ये संसार जो बगीचा है उसका कौन माली? एक ईश्वर माली। धरा बराबर बता रही है, धरा का मतलब धरती, धरती बता रही है कि आप उसके मालिक हो और आपने इस प्रकृति को बनाया है। जो तेरी हो वे दया दया निधि, कि हे ईश्वर यदि किसी पर तेरी दया हो जाए तो पूर्ण होता है मनोरथ, तो उसकी सारी मन की इच्छाएं, भाई ईश्वर की कृपा होगी तो मन की इच्छाएं पूरी हो जाएगी, और ईश्वर नहीं चाहेगा तो बिल्कुल भी नहीं होगी। सभी ये कहते पुकार के, यही तो आशा दिला रही है, कि ये सभी जानते हैं, ये सभी कहते हैं कि यदि ईश्वर की कृपा किसी पर हो जाए तो उसके सारे मनोरथ पूरे हो जाएंगे, और इस आशा से ही सारी सृष्टि बनी हुई है और सारे मनुष्य बने हुए हैं, कि ईश्वर जैसे रखेगा वैसे ही ये सृष्टि रहेगी। अब है जयशंकर प्रसाद का जन्म, सब जानते हैं 1889। जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित जो पत्रिका, वो मैंने अभी अंडरलाइन भी करवाई थी, कौन सी? जयशंकर प्रसाद की काव्य रचनाओं को आप आके से लिख सकते हो, आंसू लहर झरना तीनों इजी इजी से लिख लेना, आंसू लहर झरना तीनों लिख लो। ईश्वर की प्रशंसा का राग कौन गाते हैं बताओ, लिख लो तरंग मालाएं। मनुष्य के मनोरथ कब पूर्ण होंगे? जब ईश्वर की दया होगी, जब ईश्वर की दया होगी। अंशु मालिका अर्थ है सूर्य, अंशु मालिका अर्थ है सूर्य। बड़े वाले क्वेश्चन है फिर लघुरात्मक, ये तो थे अति लघुरात्मक। प्रकृति पद्मनी अंशु माली, इसका क्या अर्थ है? लिखो इसको। सूर्य के उदय होने से, सूर्य के उदय होने से कमलिनी खिला करती है, कमलिनी खिला करती है, कमलिनी खिला करती है, लिख लिया। खिलना प्रसन्नता का घोतक है, खिलना किसका घोतक है? प्रशंसा या प्रसन्नता लिख सकते हो, प्रशंसा भी लिख सकते हो, प्रसन्नता भी लिख सकते हो। घोतक है, घोतक का मतलब होता है चिन्ह है, ईश्वर ने इस प्रकृति को प्रसन्न किया है, इसलिए कवि ने उसे अंशु माली कहा है, इसलिए कवि ने इसे अंशु माली कहा है। आगे है, कवि ने ईश्वर को अनादि क्यों कहा है? लिखो। ईश्वर ने इस संसार को बनाया, इस संसार में पहले ईश्वर ही थे,
लिए कवि ने इसीलिए कवि ने उन्हें अनादि एवं अनंत कहा है। अनादि एवं अनंत कहा है इसलिए कवि ने उन्हें अनादि एवं अनंत कहा है। यामिनी में अनूठा पता कौन बता रही है? लिखो, यामिनी अर्थात रात्रि, यामिनी अर्थात रात्रि, यामिनी अर्थात रात्रि, यामिनी तथा अर्थात रात्रि जिसमें असंख्य तारे, जिसमें असंख्य तारे ईश्वर के स्वरूप को बता रहे हैं। अर्थ यह है कि अर्थ यह है कि रात्रि में तारों से युक्त आकाश, रात्रि में तारों से युक्त आकाश यह संकेत दे रहा है, यह संकेत दे रहा है कि यह प्रभु के दीपक हैं, कि यह प्रभु के दीपक हैं तथा यह अनोखा ईश्वर का मंदिर है, यह अनोखा ईश्वर का मंदिर है। आगे दयानिधि का क्या तात्पर्य है? देखो, दयानिधि का अर्थ, दयानिधि का अर्थ ऐसे ईश्वर से है जिसमें अपने सभी जीवों के प्रति अथाय प्रेम है, अथाय प्रेम है, जो कभी भी अपनी दया से किसी को वंचित नहीं रखते हैं, और सभी के मनोरथ पूरे करते हैं, अब बड़े वाले क्वेश्चन है, निबंधात्मक प्रभो कविता का जो सारांश बताना है, ठीक है, लिखो। प्रभो कविता
प्रभो कविता, जय शंकर प्रसाद की, जय शंकर प्रसाद की संबोधन शैली में लिखी कविता है। संबोधन शैली में लिखी कविता है। इस कविता में कवि ईश्वर के विराट स्वरूप का दर्शन करा रहे हैं। कविता में कवि ईश्वर को चंद्रमा की किरणों के समान चंद्रमा की किरणों के समान प्रकाशमय बता रहा है। उनका मानना है कि उनका मानना है कि ये सारी लीलाएं ईश्वर की ही है। ये सारी लीलाएं ईश्वर की है। यदि ईश्वर की दया को देखना है तो यदि ईश्वर की दया को देखना है तो सागर को देखें। सागर को देखें और उसकी तरंग मालाएं और इसकी तरंग मालाएं ईश्वर की महानता का दर्शन करा रही है। कवि उसकी मुस्कान की ध्वनियों को नदियों के समान बता रहा है। आकाश में रात में चमकने वाले तारे ईश्वर के विशाल मंदिर का आभास करा रहे हैं। कवि का मानना है कि
इस संसार को आनंद में है, इस संसार को आनंद में है, ईश्वर ने ही बनाया है। ईश्वर ने ही बनाया है। यदि ईश्वर की कृपा, यदि ईश्वर की कृपा किसी पर हो जाए तो उसके सारे मनोरथ, तो उसके सारे मनोरथ पूरे हो जाते हैं, तो उसके सारे मनोरथ पूरे हो जाते हैं। ये पूरा हो गया क्वेश्चन। आगे वाला, प्रद्भव कविता की भाषाओं की विशेषता बताइए। लिखो, प्रभो कविता की भाषा कवि जयशंकर प्रसाद की प्रधान भाषा नहीं कही जा सकती। परंतु यह तत्सम एवं तद्भव शब्दों की प्रस्तुति करती है। प्रस्तुत कविता में कवि ने जैसे विमल प्रस्तुत कविता में कवि ने जैसे विमल इंदु प्रसार तरंग सीमित अंशुमाली आदि तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है, इसके साथ जैसे बता रही है प्यारे धुन अनूठा माली अनूठा माली आदि तद्भव शब्दों को बिना संकोच के प्रयोग किया है। भाषा सहज है, अर्थ गंभीर है, अर्थ गंभीर है, भाषा सहज है, अर्थ गंभीर है, लय युक्त है,
युक्त, लय युक्त, लय लय युक्त है और अपने मनोभावों को व्यक्त किया है। भाषा जिसे देखना हो दीपमाला, जिसे देखना हो दीपमाला, जिसे देखना हो दीपमाला, जैसे वाक्य पाठक को व्याकरण के ज्ञान की समीक्षा करवा रहे हैं, कवि ने अपनी कविता में कुछ अलग स्वरूप को प्रकट किया है। इस प्रकार से कवि विशिष्ट भाषा का प्रयोग करते हैं, आगे की क्लास में अपने जो नेक्स्ट लेसन हुआ, आज लेसन भी पूरा हो गया, क्वेश्चन आंसर भी हो गए, ठीक है। हरीश इलेवेंथ क्लास।